गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? मस्त। चलो भाई, अच्छी बात है। तैयारी अच्छी चल रही है ना? कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, कम से कम सब्सक्राइब तो बनता है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जब भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रोवाइड करूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। क्लियर? अब ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं पीछे में, कॉन्सेप्ट होंगे ना तो बन जाएगा, बिना कॉन्सेप्ट के बनेगा नहीं क्वेश्चन। एनसीईआरटी बुक में भी नहीं है ये, इस टाइप का क्वेश्चन है कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत थोड़ा फील होगा। अगर मान लीजिए अचानक से ये क्वेश्चन अगर मिल जाए बोर्ड एग्जाम में, कैसे बनेगा फर्स्ट टाइम? इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको आइडिया मिलता है कि किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है। आप एनसीईआरटी का बुक बना लिए, सोल्यूशन क्लियर हो गया, अच्छा कोई बात नहीं है, आ जाएंगे नंबर। लेकिन कुछ ऐसे कुछ अच्छे क्वेश्चन भी रहेंगे जिसमें अगर आपको 95+ या फिर 100 के करीब अगर लाना है तो कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा सोचना होगा। तो वो होंगे कैसे? एनसीईआरटी का बुक सोल्यूशन तो हर कोई कर लेता है, ठीक है ना? लेकिन एक्स्ट्रा करता बच्चा है जो वो, उसी का नंबर अच्छा आता है। कुछ है नहीं क्वेश्चन को, देखिएगा पहले पढ़ लीजिए क्वेश्चन को अच्छे से। बन गया तो अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे, क्लियर होंगे। कह रहा क्या कि ए बी सी आर थ्री नन जीरो अनइक्वल वेक्टर, यानी कि ये सारा का सारा सारा वेक्टर अनइक्वल है, बोल रहा है ना? और नन जीरो भी है, यानी जीरो वेक्टर भी नहीं है, ठीक है? उसके बाद ये गिवन दिया हो तो पूछ रहा है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर के बीच में एंगल क्या होंगे। देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दिया है क्या, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर के, तो सोचिए क्या करें। बहुत बच्चे ये करने लगेंगे, ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, फर्स्ट माइंड में तो यही आएगा बहुत सारा मैक्सिमम बच्चों को। उसके बाद क्या करिएगा भाई, कॉस थीटा कट जाएगा। उसके बाद क्या निकल के आएंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ दिया हुआ ही नहीं, रिलेशन क्या कर सकते, कुछ नहीं कर पाइएगा। तो जो आपका फॉर्मूला था तो काम आया नहीं, तो क्या करें? इसको ना इसको लेके लेफ्ट साइड में लेके आ जाइए, ए वेक्टर बी वेक्टर इधर ले आएंगे तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इधर क्या हो जाएगा जीरो। ए वेक्टर कॉमन ले लेते हैं तो बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, देखिए आ गया ना रिजल्ट। अब आप सोचिए ये ए वेक्टर एक वेक्टर है और बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर ये भी तो एक कोई वेक्टर होंगे, और ये भी क्या है, वेक्टर है। तो मान लेते हैं कि सब्ट्रैक्ट करने पे कोई ना कोई वेक्टर आया होगा डी वेक्टर, तो ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर, इसके जगह क्या ले लिया डी वेक्टर, आ क्या रहा है जीरो। ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ये ए वेक्टर ले लिया तो अब एक डी वेक्टर ले लिया तो परपेंडिकुलर है, तभी दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होंगे। परपेंडिकुलर होगा तभी तो जीरो होंगे, कैसे? ए वेक्टर देख लीजिए ना, ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर निकालिए, फॉर्मूला क्या है, डी वेक्टर और कॉस थीटा, तो परपेंडिकुलर होंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस 90, 90 यानी जीरो, तो जीरो इंटू समथिंग जीरो। क्लियर? तो इतना सिर्फ समझाने के लिए किया, उसके बाद आप करेंगे क्या, ऑब्जेक्टिव होंगे नहीं, 2 मार्क्स का है, यानी कि थ्योरेटिकली आपको सॉल्व करके दिखाना भी होगा। तो क्या करेंगे इसके बाद, हम बोलेंगे सिंस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर इज जीरो, ठीक है? अब इधर ये दोनों इक्वल भी नहीं है, अगर इक्वल रहता तो ये ऐसे ही जीरो हो जाता, लेकिन ये तो ऑलरेडी पहले से ये गिवन है। तो ऐसा नहीं है कि बी वेक्टर और सी वेक्टर इक्वल है, जिसको प्लस माइनस करने पे कैंसिल हो गया तो जीरो हो गया, वो होगा ही नहीं दोनों, ठीक है ना? ऐसे नहीं आएगा जीरो कि दोनों इक्वल है तो कैंसिल कर देंगे तो जीरो आ जाएगा, बात तो समझ में आई? तो यहाँ पे बोलेंगे बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू सी वेक्टर, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस वेक्टर इज जीरो, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन बोथ वेक्टर आर परपेंडिकुलर, सो
एंगल दोनों के बीच में कितना हो जाएगा 90 डिग्री। नीचे का दिख रहा है ना, एक बार चेक लूँ, सभी दिख रहा है, लेकिन लाइटेड ज़्यादा यहाँ पे पार्ट होंगे तो लाइटेड के चलते दिख नहीं रहा है। तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। अब थोड़ा एक फीडबैक हमको बताना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा आप लोग कि लाइटिंग जो है वो सही है कि कुछ और लाइटिंग बढ़ाना होगा। ऐसा तो नहीं ना कि डार्कनेस दिख रहा होगा, क्योंकि मैं खुद देखता हूँ तो मुझे भाई हर किसी को अपना चीज़ अच्छा ही लगता है ना। जब तक दूसरे को नहीं बताएंगे ना तो उसको फिर अंदर का पता ही नहीं चलेगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि टीचिंग में भी पूछते रहता हूँ कि फीडबैक बताइए, कुछ और कुछ करना है तो बताइए, कुछ और तरीके से मैं ऐड करूँगा। तो लाइटनिंग के लिए आज पूछ रहा हूँ, अगर कुछ होंगे आपको, अगर डार्कनेस दिखता होगा तो मैं उसको लाइटनिंग के लिए और अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेंगे। सॉल्यूशन मिल गया, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इंजॉय करते रहिए और मेहनत ज़रूर करिए, एटलीस्ट आज आपसे अब टाइम कम रह गए हैं तो एक टाइम बांध लीजिए। ऐसा नहीं कि मैथ में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है तो मैथ में ज़्यादा फोकस कर दिए, फिजिक्स केमिस्ट्री में कम कर दिए, तो ऐसा कुछ होगा नहीं। एक सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर लाने से और बाकी का सब्जेक्ट में कम नंबर लाने से क्या रिजल्ट परसेंटेज तो आएंगे ही नहीं, ठीक है। तो जितना मैथ इम्पोर्टेंट है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। मान लिया चलिए हिंदी लिए होंगे तो हिंदी हो जाएंगे, इंग्लिश भी एग्ज़ाम के टाइम में हो जाएंगे, लेकिन यही तो तीन बेसिक मेन कोर सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। अगर मान लो किसी का फिजिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मैथ और केमिस्ट्री में कम टाइम देंगे, ऐसा हो ही नहीं करना है भाई, ठीक है। सबको अभी से एक टाइम बांध दीजिए कि हमको इतना टाइम देना है, इतना टाइम प्रत्येक सब्जेक्ट का, इतना टाइम हो गया बंद करिए, दूसरा सब्जेक्ट निकालिए। तो ये टाइम मैनेजमेंट आपको अब करना होगा और उसको फॉलो ज़रूर करना होगा। मैं भी आपके समय जब था तो टाइम को फॉलो करता था, बहुत बार लैग भी करता था, तो असर पड़ा लेकिन उतना भी नहीं, मैनेज कर लिया, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा गाइड कर रहा हूँ ना कि टाइम मैनेजमेंट फॉलो करिए, आपका नंबर ज़रूर होगा। हाँ, ऐसा नहीं अरे चलो भाई हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, होने के लिए तो बहुत कुछ हो जाएगा भाई, ज़िंदगी पड़ा हुआ है। एक डिसिप्लिन अपने अंदर लाइएगा, बहुत फ़ायदा होगा अपने लाइफ में। डिसिप्लिन बनिए, डिसिप्लिन का मतलब क्या है, रूल रेगुलेशन अगर लगाए हैं ना, बनाए हैं, उसको फॉलो करिए, अमल करिए, स्किप मत करिएगा, समझे। तो एक चेहरा पर रौनक आएगी आपके डिसिप्लिन मेंटेन रखने से। चलिए बहुत कुछ है, आगे बताते ही रहूँगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।